हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल मापारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट एग्जाम विच इज आस्क इन 2016 एंड क्वेश्चन इज ऑफ सी पार्ट। ओके, सी पार्ट के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से चारों ऑप्शन की कंसेप्ट या फिर लॉजिक हमें मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन इज कंसिडर द पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, दैट मीन्स फाइनाइट ए एन जेड रेस टू एन, वेयर कैपिटल एन इज 1 लेस और इक्वल्स टू कैपिटल एन स्ट्रिक्टली लेस देन इन्फिनिटी, दैट इज फाइनाइट, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल ए एन बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, राइट, जीरो कोएफिशिएंट नहीं उसके। देन विथ डी, डी इज अ सेट, राइट, यूनिट डिस्क डी, डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। सो ये यूनिट डिस्क दिया है, राइट, एंड ऑप्शन आर पी ऑफ डी सबसेट ऑफ आर, ऑप्शन बी इज पी ऑफ डी इज ओपन, पी ऑफ डी इज क्लोज एंड पी ऑफ डी इज बाउंडेड। ओके, सो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, और मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बताया है और सजेस्ट भी किया है कि ओपन मैपिंग थ्योरम जरूर एक बार पढ़ना, ओपन मैपिंग थ्योरम, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन को, नाउ सी इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, बहुत बहुत काम की। अगर आपको ये आर माइनस जीरो भी दिया ना, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से जीरो भी निकाला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर ये जीरो इसमें रहता, मतलब पूरा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर लेते एन बिलोंग्स टू दिस, सो कोएफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल के वो सारे के सारे जीरो भी हो सकते थे, और अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट जीरो होते तो फंक्शन तो कांस्टेंट बन जाता, और अगर फंक्शन कांस्टेंट बनता तो देखिए अब क्या होगा। नाउ सी वी हैव वन पॉलिनोमियल ऑफ फाइनाइट डिग्री, कैन वी टेक एफ ऑफ जेड वट एवर पी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड, क्योंकि ये सारे पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होगा, यहाँ पे कोई मतलब पर्टिकुलर पॉलिनोमियल तो दी नहीं, फाइनाइट डिग्री पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट रियल नंबर है, राइट। ये क्यों जीरो निकाला यहाँ से, क्योंकि कोई पॉलिनोमियल होती सारे के सारे कोएफिशिएंट जीरो भी हो सकते थे तो वो कांस्टेंट बन जाता था। ओके, अगर वो कांस्टेंट बन जाता था तो ऑप्शन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते थे, राइट। नाउ सी पी ऑफ डी सबसेट ऑफ आर, अभी ये इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन को रिलेट होती है डायरेक्टली, पी ऑफ डी सबसेट ऑफ आर। नाउ सी दिस इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, नॉन कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ से नहीं, और लेस और इक्वल्स टू एन, दैट मीन्स डिग्री कम से कम 1 तो है ही, उससे ज़्यादा और फाइनाइट, लेकिन डिग्री जीरो नहीं है, राइट, जीरो क्यों नहीं, जीरो अगर होती तो कांस्टेंट बन जाता था, ये जीरो भी इसमें रहता था तो भी कांस्टेंट बन जाता था, और कांस्टेंट अगर बनता था तो पी ऑफ डी सबसेट ऑफ आर हो जाता था, तो ऑप्शन भी चेंज हो जाते थे अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर निकाल दे तो। ओके, सो क्वेश्चन ये की है, आप कंसेप्ट समझिए और वहाँ से क्या क्या निकल के आता है वो देखिए। ओके, सो ये नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। ओके, और यूनिट डिस्क पे अगर डिफाइन किया तो क्या होगा, बाय ओपन मैपिंग थ्योरम नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन ओपन सेट मैप टू ओपन सेट, ओपन सेट मैप टू ओपन सेट, सो ये तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, राइट। पी ऑफ डी इज ओपन, क्योंकि डी ओपन है सो ओपन पे ही मैप होगा, सो पी ऑफ डी इज ओपन, एक ऑप्शन तो हमें डायरेक्टली मिल गया। क्या ये पी ऑफ डी सबसेट ऑफ आर होगा, अगर होता सी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की रेंज अगर सिर्फ रियल नंबर है या सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है या सिर्फ फाइनाइट नंबर है तो नेसेसरीली कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यहीं से ये इंफॉर्मेशन से ही डिस्कार्ड कर दिया कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, राइट, ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सो हम ये भी ले सकते हैं ना डायरेक्टली, एक काउंटर एग्जांपल है हमारे पास, पी ऑफ जेड इक्वल्स टू सपोज जेड, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, सो जो भी डिस्क है डी वो मैप किस पे होगी, वो डी पे ही होगी मैप, राइट, और डी क्या है, ओपन है, तो ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इससे कांस्टेंट निकल के आ रहा है, राइट। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, पी ऑफ डी इज क्लोज, ओपन अभी हमने टिक कर लिया है, ओपन बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, सो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ सी पी ऑफ डी इज बाउंडेड, क्या पी ऑफ डी बाउंडेड होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये डी से मैप होगा डी पे इस केस में, राइट। आप अलग अलग पॉलिनोमियल लीजिए आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये सारे पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, तो काउंटर एग्जांपल के लिए हमने ये लिया, सो डी मैप किस पे होगा, डी पे, डी क्या है, मॉड डब्ल्यू लेस देन 1 बाउंडेड है, तो ये भी बाउंडेड ही होगा, राइट। सो ऑप्शन
D also correct. Option B and option D are correct. Option A and option C we can easily discard. So question बहुत simple है, लेकिन लेकिन इसमें concept समझिए. और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि question ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि question में ही solution निकल के आएगा. So thank you for watching. Channel को subscribe कीजिए, और video अगर पसंद आए तो like ज़रूर दीजिए. Thank you.